हाँ पहलवान जी। अरे अरे भाई बंद क्यों कर ली, अरे खोल तो। ये भाई बहुत परेशान है मेरी ब्लॉगिंग से। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, लास्ट डे ऑफ कनाडा। बहुत बढ़िया मौसम है आज। मयंक भाई आया मेरे से मिलने, इसको कुछ सामान अपना देना न्यू जर्सी के लिए, तो मैं इसको एक सामान यूएस ले जाऊंगा, एक बैग। प्लान अभी ऐसा है कि यहाँ पे एक जगह, उसका नाम है कासा लोमा, वहाँ जाएंगे। और एक यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, मॉल है, यॉर्कडेल मॉल, मैंने सुना सबसे बड़ा मॉल है यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, वहाँ जाएंगे। भाई आ रहा है अभी मेरा थोड़ी देर में, उसके साथ निकलेंगे वहाँ पे, बाकी मयंक भाई निकल जाएंगे। मयंक काम भी चल रहा है क्या आज ऑफिस का? चल रहा है ऑफिस का काम बस ऐसे ही है। ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑफ कनाडा ये काम कर रहे हैं। ये आ गए हैं यहाँ पे यॉर्कडेल मॉल, भाई ले आया सुमित भाई। सुमित भाई की इंट्रो ऐसी देते कि मेरे मामा का लड़का है। तो सुमित भाई कब से आ रखा था यहाँ पे? चार साल हो लिए इसको। मैं आया था 5 साल पहले, मैं यूएस गया था, फिर सुमित भाई यहाँ आया था। काम करता है बढ़िया, एक नंबर का लड़का है। और परसों इसके भाई से मिले थे हम, छोटे से रोहित से, वो खलीफा है, जो समझदार आदमी घर का। तो अब सुमित भाई घुमाएगा मेरे को पूरे दिन, इसी के साथ हैं पूरे दिन। अभी हम जाएंगे कासा लोमा, और इसने एक जगह बताई है छोले भटूरे खाने की, उड़े जाएंगे। और मौसम आज बहुत बढ़िया लग रहा है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो ज़्यादा कुछ कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही, विच इज़ गुड। एक जैकेट उठानी थी यूनिक्लो से, यूनिक्लो शोरूम यूएस में भी है, लेकिन अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तो मेरे को एक जैकेट पसंद आई थी कल, आज वो मैंने आके उठा लिया है। भाई बहुत बड़ा मॉल है ये, घूम घूम परेशान हो रहे, सर में दर्द हो गया लड़कों के। बट जो शोरूम एक चाहिए था ना एंडी पावर का, वो मिला नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं। बट उससे पहले कासा लोमा रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। मौसम यार आज है सहन करने वाली ठंड है, आज 5-6 डिग्री हुई, तेरे को तो गर्मी लग रही होगी। यहाँ पे जो लड़के रहते हैं उनको पड़ गई है आदत, तो जब मैं पहले दिन आया ना, मैं जैकेट और टोपा पहन के घूम रहा था, राजीव मेरे को कह रहा कि भाई क्या हो गया, अरे जाडा लग रहा है। अरे जाडा नहीं है, जाडा तो अभी पड़ेगा। कितना चला जाता है भाई रोहित? -30 इस एरिया में, -30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो अभी जैकेट भी देख रहा था ना, उसमें लिख रहा -20 -30। मैंने कहा भाई मैंने अगर ये पहन ली न्यूयॉर्क में, ठंड में गर्मी में मर जाऊँगा, इतनी ठंड तो पड़ती नहीं वहाँ पे। क्या भाई ये सिस्टम, लेडी मैरी का बेडरूम है भाई, वो 250 करती, सॉरी। एक चीज़ बढ़िया कर रखी है उन्होंने, फोटोग्राफी अलाउड कर रखी है, वेरी ब्यूटीफुल मैन। वी आर नाउ एट कासा लोमा कैसल, जगह का नाम ही कासा लोमा है, अबर टोरंटो की साइड है, बहुत पुराना कासल है, 1914 में ही बना था, जो इसके बारे में मैंने पढ़ा है। और काफ़ी हेरिटेज साइट है यहाँ पे कैनेडियंस के लिए और टोरंटो वाले लड़कों के लिए। और ये मैंने देखा अभी कि रेंट रूट के लिए यूज़ होती है, तो सुमित की शादी करवाने की सोच रहा हूँ मैं यहाँ। सुमित की शादी यहाँ करवा देंगे, रेंट भी होती है इवेंट्स के लिए। बाकी तो भाई 100 साल से ऐसे इन्होंने मेंटेन कर रखी है हर चीज़, आई मीन यू कॉन्ट टच ऑल दीज। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, खाना असली रखा है इन्होंने, रो सकते हैं यहाँ के आप? पर दो टावर हैं, एक तो है नॉर्मल टावर, एक है स्कॉटिश टावर। हमें जाना है नॉर्मल टावर में, क्योंकि स्कॉटिश टावर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है अभी, हमारे पास आधा घंटा बचा, और भी काम करनी जिंदगी है, तो यहाँ से हम जल्दी निकलेंगे। बट इट्स जस्ट दैट जिस बंदे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो आके अंदर इसको देख सकता है, जितना देखना चाहे। हमें तो नॉर्मली लग रहा है, लेकिन मेंटेन्ड काफ़ी ज़्यादा कर रखा है इन्होंने, ये बात मैं मानूंगा। और लोग भी बदतमीजी नहीं कर रहे, चीज़ें छेड़ नहीं रहे यहाँ पे, तो जो लोग छेड़ते हैं ना चीज़ें, वो देख लो ज़रा, समझदार जिंदगी में अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। आगे भाई नॉर्मल टावर, भाई ये हैं खतरनाक सीढ़ियाँ, थोड़ा गैप बना के चल भाई सुमित चल। वेल आई गेस वी आर हियर अगेन, सीएन टावर। जो सीएन टावर का मेन फ्लोर है ना, उसमें चल रही कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे तो फोटो वोटो आएंगी नहीं, तो फायदा नहीं है। अगली बार जब कनाडा आएंगे तो जाएंगे भाई रोहित के साथ, ठीक है भाई? टिकट लेकर आखिए तू, सुमित की गैल रोहित ने भी ले लेंगे। ये जो तू मेरे को बता रहा था अभी आते टाइम, जो पीछे सारे घर हैं, इसको ये कह रहा तू बहुत महंगे घर हैं,
अप्रोक्सीमेटली 7-8 मिलियन डॉलर आराम से। इसको क्या अपर टोरंटो कहते हैं? अपर कासलोमा। तो यहाँ पे सारे घर हैं 7-8। और कितने क्या स्क्वायर फीट रहेगी इनकी जगह? आइडिया घरों के ना अप्रोक्सीमेटली 5-6 थाउजेंड स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बीच में हमारे घर देखते हुए मतलब ड्राइव में तो बहुत सुंदर लग रहे थे घर। मैं भाई से पूछ रहा था, मेरे को लगा 1.5-2 मिलियन डॉलर के होंगे। कल मेरे को राजीव यही बता रहा था, बट ये कह रहा है कि ये सबसे महंगा इलाका है यहाँ का, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड। बढ़िया दिख रहा भाई सीएन टावर यहाँ से। वहाँ तो जा नहीं पाए, यहाँ से देख के खुश हो रहे हैं आप लड़के। आखिरी दिन आज, यहाँ पे भी नहीं आ पाते अगर सुमित भाई नहीं होता तो। बट भाई एक चीज़ देख ली मैंने टोरंटो में, अगर तुम लोगों को नहीं जानते ना, मैं एज अ टूरिस्ट मैं घूम नहीं सकता टोरंटो, क्योंकि एक तो ट्रेन दूर दूर है यहाँ पे, सारे स्टेशन दूर दूर है, गाड़ी में जाना पड़ रहा है इधर उधर। लड़के मेरे को गाड़ी में डुला रहे हैं 4 दिन से, परेशान कर रहा हूँ सारे लड़कों को। बट वही है भाई बंधु, अपने भाईचारा में ज़्यादा क्या करें। कासलोमा कैसा लोग अपना कंप्लीट? बाहर से देखने में बहुत सुंदर था, अंदर से सही था, बट जिस बंदे को इंटरेस्ट है ना इन चीज़ों में और जो रिलेट कर सकता है वो शायद और ज़्यादा मज़े लेगा जितने हम ले सके। हमें हमारे लिए तो नई चीज़ थी, दैट्स व्हाई वी सॉ इट। बट जिसको इंटरेस्ट है, जिसको सब चीज़ें पता है हिस्ट्रीज की पूरी, जो पढ़ना चाहेगा, जो इंटरेस्टेड है, उसको और ज़्यादा मज़ा आएगा। है भाई सुमित? ओवर हाइप्ड भाई ने तो एक वर्ड दे कह रहा, ओवर हाइप्ड है, विच आई काइंड ऑफ एग्री विद। और टिकट है भाई इसकी $35? $40 आई थिंक दैट्स अ लिटल टू मच फॉर दिस, बट आई थिंक दैट्स द ओनली वे दे कैन अर्न एंड मेंटेन दिस सच अ ह्यूज स्पेस। भाई प्लान तो था कि कुछ नहीं खरीदना कनाडा से, बोले बैगों में जगह नहीं है, बट बैगों में ना सुबह उठ के पहले जगह बना लिया मैंने। और शॉपिंग का तो एक ही गेम है, तुम एक चीज़ खरीदना चाहो तुम्हें दूसरी चीज़ पसंद आ जाती है। भाई शॉपिंग होगी अपनी पूरी, जो शर्ट लेनी थी एग्जैक्टली वो मिल गई अपने साइज़ में, लकी आखिरी पीस था। बट ईटन सेंटर दोबारा घूमने मैंने डाला नहीं ब्लॉग में ज़्यादा, अभी ईटन सेंटर में दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया, मैं 3-4 बार रिकॉर्ड कर सकूँ। हाँ भाई कहाँ आ गए? सुमित वेस्टवुड प्लाजा। तो क्यों ये प्लाजा क्यों मशहूर है? लड़ाई दंगे होते हैं यहाँ पे, क्या बात कर रहा है? जो अभी लास्ट दिवाली पे जो हो रहे थे पटाखे फट रहे थे। लास्ट दिवाली पे लोगों ने जो वीडियो देखी होंगी बहुत सारी यूट्यूब पे, जिसको आई थिंक एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं है, तो भाई बता रहा है वो यहीं पे हो रहे थे। हम यहाँ पे काम नहीं करने आए, हम यहाँ पे कुछ काम से आए थे, पहले तो सामान उठाना है और फिर खाना खाने जाना है। तो भाई कह रहे हैं आपको बता ही दूँ एक गाड़ी हो यहाँ पे, मैं ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता क्योंकि आई डोंट सपोर्ट ऑल दिस वायलेंस मैन, वेरी पीसफुल गाय। ओहो हरियाणा, हरियाणा लिख रहा है, क्या लिख रहा है? जिद्दी जाट। तुम तो ना आते हैं, ठीक है भाई तुम अपने घर रहा करो, खाया करो और सोया करो। इस सुमित भाई ले आया है मुगल महल पे, काफ़ी तड़का भड़के वाला मेन्यू है। भाई कह रहा है सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है छोले भटूरे खाने के लिए, तो अभी छोले भटूरे हम ऑर्डर करेंगे और भेलपूरी ऑर्डर कर रहे हैं हम, और आलू टिक्की बर्गर है यहाँ पे। तो मैं दिखाऊंगा, मुंह में पानी आ रहा है बट मैं दिखाऊंगा फिर भी। इंडिया में मिलते हैं भाई फरवरी में सुमित, विकास की शादी में। ओके बाय। अरे भाई दाढ़ी तो दिखा दे, आओ आओ। अरे दिखा तो दे, अरे आओ। चलो चले, ठंड बहुत है। आज तूने 8 घंटे, ठंड बहुत है, बहुत बढ़िया मौसम। नहीं भाई मैं सारा अपना देख रहा था क्या करना है, सामान सुमान का तो वही देख। भाई मूव करना है, बहुत हेक्टिक हो रहा है, मेहनत का काम है पूरा कैंपस है। यॉर्क यूनिवर्सिटी आगे यॉर्क विलेज है, अलग अलग वो यॉर्क विलेज जहाँ पे उस दिन हम गए थे, जहाँ वो रहती शमरीन। अच्छा वो यॉर्क यूनिवर्सिटी में तो पढ़ती है? हमारी एक फ्रेंड है वो यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उससे हम मिले थे फर्स्ट डे। ये पूरा यॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस है, और जहाँ तक दूर दूर तक है सब यॉर्क यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। इसके पीछे रेजिडेंस है पूरा, वो उस एरिया को यॉर्क विलेज कहते हैं। वहाँ सारे घर है, लोगों ने घर खरीद रखे और सारे रेंटेड है। मतलब डॉर्म यूनिवर्सिटी के डॉर्म है या घर है लोगों के? यहाँ जो अंदर है वो तो यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स है, बट इसके पीछे जो सारे घर है उसको यॉर्क विलेज कहते हैं। अच्छा, वहाँ पे सारे के सारे ही लोगों ने घर खरीद रखे हैं और रेंट पे दे रखे हैं, सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे। टाइम हो गया, आखिरी वीडियो है कनाडा की, भाइयों से मिल लिया हूँ दोबारा और घूम लिया भाई पूरा कनाडा टोरंटो में, अपने स्कूल वाले लोगों से, एनसी जिंदल वाले लड़कों से, सूरजमल से, एनवाईयू से, और जो कनाडा में मेरे दोस्त रहते हैं सबसे मिल लिया हूँ मैं। स्टार्टिंग से लगा लो मतलब किस किस का तो नाम लूँ, बहुत सारे लोगों से मिल लिया हूँ, कुछ लोगों से मैं नहीं मिल पाया, कुछ लोग मेरे से नहीं मिल पाए, बट दोबारा आएंगे हम, दोबारा मिलेंगे सबसे।
बट भाई मजा आया यहाँ पे यार टोरंटो में। और भाई यार थे अपने साथ, भाई साहब बिजी हैं थोड़ा फोन पे, और अमन भाई वीडियो बना रहा है। तो भाई परिवार वैसे ही है यहाँ पे भी, काफी ज्यादा लोग हैं अपने को जानने वाले, तो बढ़िया लगा मेरे को, काफी घूम लिया 3-4 दिन और अच्छी जगह है ये। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सबको, वैसे तो मैं ज्ञान ज्यादा देता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा ज्ञान है नहीं, बट भाई बहुत मेहनत बहुत कर रहे हैं यार यहाँ पे अमन लोग। मैंने देखा स्टूडेंट लाइफ में यार, मतलब लड़के पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं भाई, कमाई भी कर रहे हैं, गुजारा भी कर रहे हैं अपना, ये चीज़ मैंने देखी, मेहनती लोग हैं भाई यहाँ पे। बट एक ही चीज़ कहूँगा मेहनती लोगों को भी भाई, की जो पढ़ने आए हैं यहाँ पे, अपनी फील्ड की नौकरी करो, तो जिस चीज़ में तुमने इतना टाइम लगाया, अपना 2 साल इन्वेस्ट किए हैं उसमें नौकरी करो और आगे बढ़ो भाई ज़िंदगी में। बाकी ज़िंदगी तो मौके देती रहेगी हर चीज़ के। आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया है। लास्ट वीडियो है, कल सुबह मौका मिलेगा शायद वीडियो बनाने का, और आखिरी रात है, भाइयों के साथ बैठेंगे थोड़ी देर, गपशप मारेंगे और चलेंगे भाई फिर अपने घर और सोएंगे, सुबह लेंगे फ्लाइट। ठंड ने भाई बहुत साथ दिया हमारा, ठंड ज़्यादा पड़ी नहीं, वरना मेरे को तो ये लग रहा था कि ठंड पड़ी रहेगी। और मैं राजीव को बोल भी रहा था 2 दिन आने से पहले कि भाई घर पे बैठना पड़ेगा, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, कॉफ़ी पियेंगे घर बैठ के, बट ऐसा हुआ नहीं, ठंड का माहौल सही रहा भाई। बाकी अमन भाई ने तो खाने के इतने रेस्टोरेंट बता दिए ना इस देश में, एक दिन भाई अमन भाई रेस्टोरेंट खोलेगा, उसके रेस्टोरेंट में सीधा आना मेरे को। बाकी ये जो व्लॉग्स हैं थोड़े ऊपर नीचे बने हैं क्योंकि ज़्यादातर हम गाड़ी में ही थे और इधर उधर जहाँ पे भी जाना होता था, और ज़्यादा कंटेंट नहीं था, बट लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा शेयर किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एज अ टूरिस्ट तो आया भी था, मैं लोगों से मिलने आया था यहाँ पे 3-4 दिन के लिए, तो ज़्यादातर चीज़ें वो हैं। इफ़ यू गाइस लाइक एनी ऑफ द थिंग्स इन माय व्लॉग्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी और कंटेंट बनाते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ घूमेंगे। देन आई थिंक वी शुड एंड दिस व्लॉग हियर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओवर एंड आउट बेबी।